अब हमको इसमें स्टिकर लगाने के लिए ऊपर वाले टॉप पेन से स्टिकर्स पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमको जो भी स्टिकर यहाँ पे लगाना है वो लगाएंगे। जैसे मैंने फेसबुक में ये वाली दो आंखें लगाई हुई थी जो ऊपर देख रही थी, आप चाहे तो कोई भी स्टिकर ले सकते हैं। स्टिकर लगाते हुए ध्यान रखिएगा, एक बारी जब स्टिकर चिपक गया तो ये बार बार इधर उधर नहीं होगा। तो मैंने स्टिकर पे यहाँ पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पे ड्रैग किया तो ये इसकी एक आंख, इसको मैंने राइट लेफ्ट अपनी की से कीबोर्ड की की से मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, इस पर टिक करा। उसके बाद दूसरा मैंने लिया, उसको भी मैंने यहाँ पे चिपकाने की कोशिश करी, उसको अपनी पहले वाली आँख के बाजू में लाया और ये बन गए इसकी दो आँख। अब इसका हम मुंह बनाएंगे। पिछली बार मैंने चीप बनाई थी, इस बार ये मैं इसको हैप्पी बना देता हूँ क्योंकि ये उड़ने वाला है। तो इसके ऊपर मैंने ये वाला स्टिकर लगाया, यहाँ से लेफ्ट या राइट किया, यहाँ पे टिक का बटन दबाया और ये बन गए इसके स्टिकर। अब हम लास्ट इसका शेप बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी होगी इसकी पूंछ। तो पूंछ बनाने के लिए हम ऊपर का 3D ऑब्जेक्ट शेप्स सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इंस्पेक्टर पेन में या डिटेल पेन के अंदर 3D डूडल के अंदर दो ऑप्शंस देखेंगे। एक है हमारा लेफ्ट शार्प एज और राइट में हमारा सॉफ्ट एज। हम सॉफ्ट एज सिलेक्ट करेंगे, उसको हम फ्री फॉर्म बनाएंगे। फ्री फॉर्म मतलब आप इसको किसी भी शेप का साइज या आकार दे सकते हैं। अगर आपको आगे की वीडियोस में देखेंगे जैसे क्लाउड बनाना हो या फिर कोई भी ऐसी शेप हो जो इसमें इंक्लूडेड ना हो तो आप इन दोनों के थ्रू वो बना सकते हैं। इस वक्त हमको जैसे इसके नीचे की चोच बनानी है तो वो हम बनाएंगे। तो ये हमने लेफ्ट माउस क्लिक किया, ये ब्लू वाला सर्कल आएगा। हमको लेफ्ट माउस छोड़ना नहीं है, हमको बस ये शेप बना लेफ्ट माउस दबाते हुए ये शेप बनानी है। ये नीचे से थोड़ी सी पतली, ऊपर से थोड़ी सी मोटी और ये वापस जहां से आपने शुरू करा एंड भी वहीं पे होगा ब्लू सर्कल के अंदर। तो ये बन गई इसकी नीचे की चोच। अब जब आपकी नीचे की चोच बन गई है, इसको हम अलग कलर देंगे, इसको हम ग्रे कलर दे देते रहे हैं। उसके बाद इसको हमको रॉकेट के अंदर लगाना है। तो अब हम सीखेंगे रोटेशन कैसी होती है। इसको पहले हम 3D व्यू में देखेंगे। 3D व्यू में देखेंगे तो ये ऐसे 3D रोटेट इस तरह भी हो सकता है, और अगर इसको वापस 3D व्यू में देखेंगे तो ऊपर से नीचे ऐसे भी 2D व्यू में रोटेट हो सकता है। तो पहले हम इसको प्लेस करेंगे इसके नीचे, और मेरे को जैसे ये अगर इसको राइट में लाना है तो हम इसको यहां से राइट से लेफ्ट में रोटेट करेंगे। तो इससे ये बन गई मेरी रॉकेट के नीचे की पूंछ। तो इसको हम 3D व्यू में भी देख सकते हैं। 3D व्यू पे क्लिक किया, अब मैं अपना राइट माउस का बटन क्लिक करके दबाए रखूंगा और पूरे सीन को ड्रैग करूंगा। उससे मुझे ये पूरा सीन घुमाने में आसानी होगी ताकि मैं देखूं ये हर एंगल से सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं कि नहीं। अब मैं कहीं पे भी लेफ्ट क्लिक करूंगा ताकि वो रोटेशन का ऑप्शन चला जाए और ये मेरे पास हो गया रॉकेट तैयार। अब हमारे पास बस एक 3D टेक्स्ट बचा है और उसके बाद शेयर के लिए तैयार। चलिए अब हम फटाफट इस पे एक 3D टेक्स्ट डालते हैं और इसको फेसबुक पे शेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शंस आएंगी, एक होगा 2D टेक्स्ट और एक होगा 3D टेक्स्ट। मैं यहाँ पे 3D टेक्स्ट सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि दिवाली है। लेट्स ट्राई रेड, मैं रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ। जो भी मेरा मनपसंद फॉन्ट हो वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो इसके अंदर हम ट्राई करेंगे सेगो स्क्रीन। इसके बाद मैं कोई भी फॉन्ट की ऑप्शन ले सकता हूँ, 22 से 48, 130, 48 ठीक है। बोल्ड, सेंटर, जस्टिफाई, इसमें को मैं एज इट इज रहने दूंगा। यहाँ पे मैंने कैनवस पे क्लिक किया और अब हम लिखेंगे हैप्पी दिवाली। अब जब हमने इस पे हैप्पी दिवाली लिखा, हमको इस पे वी हैव टू बी श्योर कि ये हर जगह से ठीक से दिखे। तो मैं इसके रॉकेट के थोड़ा सा नीचे लगा देता हूँ। उसके बाद इसको 3D व्यू में देखेंगे कि ये कितना उसके पास है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये बहुत दूर है, तो हम इसको रॉकेट के थोड़ा पास ले आते हैं, यहाँ पे आगे, फिर से 3D व्यू दबाएंगे और उसके बाद यहाँ से वैसे ही दिख रहा है बट लेकिन 3D व्यू में रॉकेट के पास हो गया है। तो जब आपके फ्रेंड्स फेसबुक के पोस्ट में इसको राइट लेफ्ट करके देखेंगे तो उनको पूरा रॉकेट में दिखाई देगा। इसके अंदर हम एक हिडन टेक्स्ट भी बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
अगर कोई रॉकेट के पीछे देख रहा है और पीछे हैप्पी दिवाली उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम पीछे एक टेक्स्ट डाल सकते हैं जो कि सिर्फ तब भी दिखाई देगा जब वो फेसबुक में पीछे की तरफ देखेंगे। चलिए देखिए एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये रॉकेट है, अगर मैं इसको वापस पीछे घुमाया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे हम इस पे कोई और स्टिकर लगा सकते हैं और यहाँ पे कोई और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू यू। तो चलिए हम वो ट्राई करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि वो और इसमें टेक्स्ट ऑप्शन कैसे डाल सकते हैं।